निकाल के इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। मुझे तैयार होता है कैमरा और ट्राइपॉड और माइक, ये तीन चीज होता है जो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही नीडी होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बोलो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। आप सबका मेरे चैनल सविता के फिर से स्वागत है। आज का दिन शुरुआत हो चुका है, लगभग 9:30 होने को जा रहा है। हाँ बेटा बोलने दो। तो हमारा दिन जो है चाय से शुरुआत होता है। देव और मैं दोनों चाय पी रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ, देव जो है कॉम्प्लेन पी रहा है। ठीक है, उसको कॉम्प्लेन पसंद है क्योंकि मैं चाय पीती हूँ ना, वो देखता है चाय चाय बोलता है, तब मैं उसको कॉम्प्लेन बना के दे देती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देव के लिए मैं कॉम्प्लेन यहाँ पर डाली हूँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास में है मैं, और मैं चाय लाई हूँ यहाँ पर। तो हम लोग का दिन का शुरुआत इसी से होता है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर छिलका रोटी, जो कोई कोई डोसा भी बोलता है, मैं डोसा टाइप का बनाई हूँ, और यहाँ पर दालमा बनाई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी था। एक्चुअली ये रात को बनाई थी, फ्रिज में रखी थी, गर्म करके लाई हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद में हमारा घर का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर कपड़ा सुखा रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन एज यूजल जैसे घर में सारा काम होता है वैसे मुझे करना पड़ता है। कभी मासी नहीं आने से मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, और कभी कभी मासी आ जाती है घर में काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद में और जो भी काम है मैं इसको कर लूँगी। मैंने आज बनाया बनाना मिल्क शेक। देव को बनाना मिल्क शेक पसंद है, इसीलिए मैं उसको बनाना मिल्क शेक आज मैं बना के दी हूँ। घर के साथ साथ हमें भी तो सजना संवरना चाहिए ना। तो मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सज संवर के फिर कुकिंग में जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के पूजा वूजा करके मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, और मैं किचन में क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों को सब्जी थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं सोयाबीन का जो बड़ी होता है वो मैं यहाँ पर फ्राई करके रखी हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर मसाला जो है थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ। मसाला यहाँ पर आधा कप ऑलरेडी हो चुका है, और मैं इसमें थोड़ा सा एक टमाटर डाल दूंगी। टमाटर आप लोग देख सकते हैं, एक लाल वाली है और थोड़ा सा कच्चा एक था, उसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसमें ऑलरेडी मसाला वसाला सब कुछ डाला हुआ है, तो ये टमाटर जो है जल्दी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये सोयाबीन जो मैंने फ्राई करके रखा था इसको मैं इसमें डाल के और थोड़ा सा अच्छा से इसको बना लूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं मसाले का अंदर में जो सोयाबीन था उसको मैंने डाल के इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा बॉईल होने के बाद में अच्छे से कुक हो जाएगा, उसके बाद में इसको बंद कर देंगे धनिया पत्ता डाल के। तो यहाँ पर देखिए धूप कितना जोर का, कड़क धूप यहाँ पर है। यहाँ पर क्या चारों तरफ धूप है। एक्चुअली कपड़ा उठाने के लिए आई थी 2 मिनट के लिए, मैं तो धूप से एकदम परेशान हो गई। ठीक है, कपड़ा उठाई हूँ और मैं अंदर आ गई हूँ। देव देखिए, मैं आप लोगों को देव को दिखाती हूँ, उसको खींच रही हूँ फिर भी आ नहीं रहा है अंदर में। देबू इधर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ, अभी बहुत जोर का मार मिलेगा। देख रहे हैं ना कैसे कड़क धूप, इंसान क्या जानवर क्या सबको एकदम जल जाएंगे इतना गर्मी में। देव के लिए लंच रेडी कर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं दही के साथ में राइस लाई हूँ, और साथ में कुकुम्बर है और एक एग है जो कि देव को पसंद है, पसंद के साथ साथ में उसको ज़रूरत भी है। और साइड में मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ जो सब्जी बनाई थी सोयाबीन का, उसका सब्जी मैं लाई हूँ। तो मैं अभी लंच में इसको देव को खिला दूंगी, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसलिए पानी डाल के दही डाल के मैं इसको लाई हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, सच बताओ तो मैं देव को अलग से कुछ नहीं खिलाती हूँ, घर में जो बनाती हूँ उसी को खिलाती हूँ। जब खाने का टाइम अगर वो कुछ परेशानी करता है, नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए दूसरा अल्टरनेट कुछ ऑप्शन मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी जो भी लंच में बनाई हूँ मैं उसी को खिलाने का कोशिश करूँगी, अगर ठीक से खा लेता है तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा खिचड़ी बनाऊँगी उसको खिलाऊँगी। तो चलिए अभी मैं उसको लंच करवा देती हूँ, फिर आगे चल के बात करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग जो घर में बनाते हैं उसी को ही देव को खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। अगर कुछ नहीं खाता है तो जो बनाती हूँ वो अगर रिफ्यूज़ करता है खाने में, तो मैं जाके फटाफट कुकर में खिचड़ी बना देती हूँ दाल चावल आलू के साथ में टमाटर डाल के। और मैं आज घर में क्या बनाई हूँ आप लोग तो देख ही चुके हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो मैं आज क्या खा रही हूँ आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ।
यहाँ पर मैं भी जो राइस बनाई थी राइस के साथ में मैं पानी डाल दी हूँ और साथ में दही जो देव को खिलाई एज यूजल मैं वही खा रही हूँ और साथ में मैं सब्जी भी लाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, तो मैं भी लंच कर लेती हूँ और देव को सुलाना भी है। बहुत ही बदमाश हो रहा है, चारों तरफ गंदा करके रखा हुआ है। वो जब सोएगा तभी जाके मेरा कुछ काम बनेगा। यहाँ पर इवनिंग का टाइम है, मैं यहाँ पर मुरमुरा दाल के साथ में बनाई हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत ही पसंद लगता है दाल के साथ में मुढ़ी यानी कि मुरमुरा खाना, और देव भी खाता है, उसको तो बहुत ही पसंद है मुढ़ी खाना। तो हम लोग अभी इवनिंग में इधर टीवी लगा हुआ है तो हम लोग अभी देख देख के अभी खा रहे हैं मुरमुरा। चलिए, हाँ बेटा पानी लो, हाँ लो पानी लो। का टाइम है अभी, देव एक्चुअली घर में रह रहे कि पूरा एकदम परेशान हो जाता है, मुझे एकदम गुस्सा करने लगता है। शाम टाइम को थोड़ा सा मैं बाहर ना जाऊं तो वो भी एकदम परेशान हो जाता है, खाली बोलता है दरवाज़ा खोलो मुझे जाना है। तो मैं भी पास ही में एक भाभी का घर है, आप लोग तो देखे ही हैं वीडियो में, लास्ट वीडियो में आप लोग तो देखे होंगे शोम को, मैं उसका घर घूमने जा रही हूँ। तो चलिए मैं भी चलती हूँ उन लोगों का घर में। सोम और देव जो है दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक साथ में हैं, तो दोस्ती के साथ साथ में मारपीट भी बहुत होता है। सो फ्रेंड्स, रात के लगभग भी 9 बजने वाला है, तो मैं देव का जो डिनर है प्रिपेयर कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ डिनर में मैं आज देव को क्या खिला रही हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक खिचड़ी है, खिचड़ी यानी कि इसमें दलिया राइस और कुछ छोटा थोड़ा इतना सा वेजीज में डाली हूँ और साइड में एक बॉइल्ड एग ली हूँ और साथ ही मैं इसमें ना एक छोटा सा लेमन करके इसमें डाल दूंगी ताकि इसका जो विटामिन है और थोड़ा सा एनहांस हो जाए। लेमन ऐसे ही देव को खाना पसंद है, खट्टा चीज खाता है, तो मैं आज रात को दलिया और राइस का जो खिचड़ी है मैं उसको खिला दूंगी ताकि उसका पेट भी भरा रहे और उसको रात भर वो थोड़ा सो सके। सो फ्रेंड्स, अभी देव का जो है डिनर वो कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी जाऊंगी रोटी बनाऊंगी। ये बदमाश उसका देव के पापा आ जाएंगे उसके बाद में ही मैं रोटी बनाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे रोटी बनाने तो देगा ही नहीं, क्योंकि आज दिन भर मुझे इतना एक्चुअली रुला दिया है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्योंकि देखिए, एक यूट्यूबर के लिए उसका जो हथियार होता है कैमरा और ट्राइपॉड और माइक, ये तीन चीज होता है जो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही नीडी होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दिखा तो बेटा इधर आ जा। ये देखिए, ये न्यू ट्राइपॉड है, ठीक है। इसको मैं मंगाई थी 250 रुपीज का। मेरा पहले वाला ट्राइपॉड था, आप लोग पहले का वीडियो में देखे थे, वो तोड़ दिया था देव, तो अभी ये वाला न्यू ओपन की थी 3-4 दिन पहले ही, मैं इसको ऑनलाइन मंगाई थी, इसको रखी थी, मैं आज ही ओपन की हूँ वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा देर के लिए मैं कपड़ा सुखा दी थी बाहर में, फटाक से मोबाइल के साथ में गिरा दिया है। मैं इसको क्या करूँ, देव के पापा बोलने से बोलते हैं ठीक है छोड़ो बच्चा, तो गिरा दिया, और तो है हो सकता है तो तुम ले लेना, लेकिन जो नया चीज़ है एक्चुअली गलती तो मेरा ही है, मैं संभाल के रख नहीं पाई इसीलिए ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं दिन भर आज बहुत दुखी हो गई, और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, बार बार खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें एक्चुअली देखिए, आप इसको देखिए, इसमें लाइट लगा था ना, लाइट लगा था तो ये रात को भी हम लोग शूट कर सकते थे अच्छे से लाइट ऑन करके, तो इसको तोड़ दिया, अब तो ये होल्ड भी नहीं कर रहा है कैमरा। खैर क्या करें, बच्चा है तोड़ेगा फोड़ेगा। और एक चीज़ किया है दिन भर में, मैं किचन में कुकिंग कर रही थी और साइड में जाके नारियल का तेल जो है पूरा आधा बोतल डाल दिया है। मैं आके देख रही हूँ स्मेल हो रहा है चारों तरफ से, तो मैं देख रही हूँ कोने में जाके कॉर्नर में जो कोकोनट ऑयल है सब गिरा दिया है, पर क्या करें, एक मिनट भी अगर नहीं देखूँगी कुछ ना कुछ करते ही रहता है। खैर छोड़िए, बच्चा है छोटा है सब माफ़ है इसको, है ना बेटा। क्या हुआ बेटा, लग गया, आप इसको मत लो, देखो अभी हाथ में बैठे बैठे लगा दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का डेली ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं और एक प्यारा वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।